कार्यक्रम में मंचवाने बिराजुड़ा मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग जन नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों सब पहले तो मैं हृदय की गहराई आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूं कि आप लोग आना में चार घंटे घंटा हमारे देरी हुई के बावजूद भी आप लोग जो परम जोशी हमारा स्वागत वीडियो बिंग वाले सदैव में आप लोगों का आभारी रहे धन्यवाद ये बात होगी कि 1977 में ले और 2023 मतलब 46 साल तक लगातार आप हमारा परिवार ने दोनों हाथों में आशीर्वाद देता आ रहे हो पहले हमारा पिताजी ने आप और फिर के बाद हनुमान जी ने आप आशीर्वाद दियो और अब के का जगह उपचुनाव मैंने भी आप दोनों हाथों में आशीर्वाद दे राजस्थान विधानसभा में भेजा एक बार सदैव आप लोगों का आभारी रहा 25 तारीख का विधानसभा का चुनाव के महीने में वोट मांगना है वोट की अपील करना आपके गांव के वार्ड में हाजिर हुई हूँ मैं तो ही निवेदन आप सबको करूं कि आप ने अब के को वोट जगह कई दफा नारा लगा था कि हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं हदय आप एक विधायक और एक सांसद बड़ाओं को वोट देता पर अब के आप लोग विशेषकर जगह युवा साथी खड़े हैं आप लोग सोशल मीडिया का माध्यम बराबर देख लिया हो कि अब के राजस्थान के महीने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी में जो गठबंधन है वो कम उगम 4 दर्जन ज्यादा सीटा जीतने की स्थिति में राजस्थान के महीने एक बार अब के जो वोट है वो वोट व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता की भागीदारी को वोट है एक बार बहुत सोच समझ और आपने अब आपका मत को इस्तेमाल करना है लोकतंत्र के महीने मत को जो को दान है इनकी बहुत बड़ी महिमा है आप लोग इन्हें ये वोट ने बहुत ही विश्लेषण कर और जगदीन आप जनप्रतिनिधि ने वोट देना सीख गया बुजुर्ग लोग बड़ा समझदार है आप आज जरूर कहता कि वोट और बेटी यदि समझदारी दे तो भी वो प्रतिफल आपको बहुत अच्छा मिले यहाँ धार्मिक शास्त्र के महीने कन्यादान को महत्व है यही लोकतंत्र के महीने मतदान का बहुत बड़ा महत्व है कन्या को दान आप कन्या को रिश्तों करने जावा तो पूरी चीज देखा बच्चों का ही करें एक भविष्य उज्ज्वल किया रही परिवार किया है जमीन जगह किया है और थे लोग टूबे लड़ा रहा था बाद में देखो टूबे लगा कितनी 1, 2, 4 कितनी है अगली बात आते कि अपन जामा बच्चे को रिश्ता पर देख रहा तो दिया ही मत को दान करूं पहले आप आओ चीज देखा कि वो दान जगह कर रहे हैं उसे पत्र है नहीं चुनाव चुनाव को मतलब वो है कि घना लोग अपन एक हाथों आदमी चुनाव बिन चुनाव के तो 25 तारीख का चुनाव है और प्रत्याशी स्वामी आपका जाने पिछड़े अभी अपन है अटो कोई एकदम कहे कि मैंने शहर नहीं जाना है तो आप हिलोड़ी रोड जाओ अब उजड़ रोड कोई रास्ता भी और भी हो सके कठानी पर बार रास्ता मार इतना हाल हाउड़ नहीं चाल सको आप शहरणी रोड में चला तो हनुमान बेनीवाल जी आपका परचुड़ा आदमी है और हमेशा आप लोगों का सुख दुख में हमेशा हाजिर रहे बेड़ा किसान पुत्र ने आप लोग पूर्व पूर्व आशीर्वाद देंगे हनुमान बेनीवाल जी वे व्यक्ति है जगह विधायक और सांसद बढ़िया के बाद भी कभी कड़ा उठे कड़ा सोए बंगो आज तक हमारे बदले में ठाकुर ने हकीकत बात है हमेशा एक ही चिंता करे कि अब के हमारा किसान परिवार का लोगों को अब के अनुसूचित जाति जनजाति और समाज का अंतिम छोर मत बेटा व्यक्ति की मैं सत्ता को मेरी भागीदारी सुनिश्चित करूं एक किसान को बैठो छोटा सा गांव में जलमिड़ो और इतना बड़ो सपनों राजस्थान जेड़ा स्टेट में देखियो है कि मैं किसान और जगी कमेरा कौम है ये कौम को अब के सत्ता का मैंने भागीदारी सुनिश्चित करूं बहुत बड़ो सपनों ले पड़ा और खुशहाल राजस्थान बढ़ाओ सपनों हनुमान बेनीवाल जी देखियो तो आप सबको भी परम कर्तव्य है कि आप हनुमान जी बेनीवाल ने आपका इतना मजबूत आप करा विकास के लिए बात करा तो जब शुरुआत में वोट मांगन आया जब आप स्कूल की बात करता बाउंड्री की कमरा की एक बार छोटा मोटा एक बार आया ट्यूबवेल की बात करी गौशाला में ट्यूबवेल आतवाद बुनाई पिछली बार आया जब एक जीएसएस की बहुत बड़ी मांग इकट्ठा लोग करी कि जीएसएस एमएलए साहब यदि जीएसएस मांगड़ स्वीकृत हो जाए तो लगभग काम मांगा विकास का हगड़ा होगा अपने परम पिता परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई और क्यों सर विधानसभा में चित्ता मांगिया तथा हगड़ा चाहिए से सेंसर होगा नहीं मैंने लोड़ी कर दिया सेंसर होगा और आचार संहिता के बाद इनको काम भी शुरू हुई मैं तो इतना ही निवेदन करूं कि बोर्ड देवों पहले अपन पूर्ण विश्लेषण करना है क्योंकि जगह कैंडिडेट खड़ा है वे भी लोकल है वे रिश्तेदारी भी काटेला आपके नावेला रिश्तेदारी का नाम मैं कटाई मांगी रिश्तेदारी का नाम आज तक बोर्ड में आया मैं वोट मांगे विकास का नाम मत हमेशा बात क्या कि विकास ही मांगो मुख्य उद्देश्य है वो मांगो जो विजन है वो विकास को विजन है ये विजन है ले मैं राजस्थान के मैंने और विशेष कर क्यों सर विधानसभा में आया आप देखियो मैं युवा साथियों अपील करूं
आप लोग पूरे विश्लेषण करीजो। मैं ये भाषण दे जाता रहा, हर व्यक्ति आके मैं नेता शिक्षा ने बढ़ानी है, पर यदि स्कूल कॉलेज नहीं खुलावा शिक्षा खत्म पड़ी। हनुमान जी बेनीवाल पिछला छह साल का मैंने 5 नया कॉलेज की उत्तर विधानसभा में खुलाया, 5 छोटा सा गाँव है, फिर मेरी बालिका महाविद्यालय खजवाड़ो छोटा सा गांव है, महाविद्यालय क्यों सर मैंने 2 महाविद्यालय बच्चा और बच्चियां अलग अलग और पूछे रख मैंने कॉलेज कॉलेज आई थी खुलाई थी। और अब 1000 किलोमीटर सड़का को काम क्यों सर विधानसभा में चाल दे मत ध्यान है आप क्या कंकड़ाई रोड नहीं छोड़ता और एक आध कोई एक तो छोटा मोटा टुकड़ा और एक देवनारायण जी भगवान के बेटे एक बार सड़क की बात आप लोग गांव वाला मांग करी सगली चीजें ध्यान में आप बोलता नहीं पचे अब हमारा हिसाब इतो बड़ो रोड को नेटवर्क आपा इलाका में होजी पर छोटी मोटी रोडा को दो चार रोडा मुख्य मुख्य बची तो निश्चित रूप में रोडा माते भी आप सही काम कराए विकास को नई आयाम आप स्थापित करा। मैं तो इतो ही निवेदन आप सबने करूं कि आप सब लोग पूरा विश्लेषण कर और वोट को सही सदुपयोग करी 13 मिनट की जगह बीप की आवाज जगह वोटिंग मशीन में आवे बीप के बदले 5 साल आपने रिटर्न बराबर कौन व्यक्ति देवे कौन एड़ो व्यक्ति है जो 5 साल आप एक बिस्कोल दो या फोन करो तो आपका सुख दुख में हाजिर रहे और सत्ता का बड़ा बड़ा मुद्दा मत बैठा लोगों को संघर्ष कर पड़ो और आप लोगों का हक और अधिकार देने की बात करें ऐड़ा व्यक्ति ने आप बोला तो निश्चित रूप में आपका इलाका का विकास वाला। मैं आप सब ने दिहाड़ी का राम राम भी और आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर और इतना ही मैं निवेदन करूँ कि वोट सिर्फ विकास का नाम मत है और हनुमान बेनीवाल जी तो लड़ाकू आदमी आपने लादे लोगों ने किसान परिवार को व्यक्ति जगह मन में एक ही चिंता है कि किसान राज लड़ो राजस्थान के मैंने किसान 36 कौम का बे लोग जगह किसानी को काम करे अगला समुदाय का लोग आएगा आगे किसान परिवार की सत्ता का मैंने भागीदारी किया सुनिश्चित है ये विजन के माध्यम काम करिए हिमाचल में हाथ जोड़ निवेदन करो और बहुत बहुत धन्यवाद मैं मात्र शक्ति दे आज रात में 11 बजी है पर आप लोग जी आपका टाबरा को आपका भैया को मायरा में इंतजार करो जी आप इंतजार करियो मांगो तो मैं सदैव आप लोगों ने दिन प्रणाम भी करा कि आप लोग हमेशा हमारा परिवार को मान सम्मान बढ़ाओ पूरा प्रयास करियो इतो निवेदन में जरूर मैं मात्र शक्ति करूं कि बेटा के साथ साथ बेटे ने भी बाबा खुदाए आज बड़ी प्रसन्नता हुए ये कारण मेड़ता मुंडवा और क्यों सर ये तीनों ही एसडीएम के पद में किसान परिवार की बेटी आज बैठी है हमको भी सेनो से एकदम गर्व थोड़ो है अपा गंडा के परिवार की बेटा बैठा नहीं यदि बड़ा फटाफट बेट और का हाथ में यदि कलम आए तो निश्चित रूप में आप सबकी तकदीर में बेटा और बेटे बदले ला इस चीज को आप ध्यान रख और शिक्षा को मैंने सही दिशा में आप आगे बढ़ना है। छोटी मोटी कोई गांव का छोटा मोटा विवाद हुआ मन हमेशा आप जाते के नीचे दबाया करो और भेड़ा बैठ और आप चर्चा करना सीखा तो निश्चित रूप में विकास भी होती विकास तो अपन कोई नहीं रोक सके आप परिपाटी अपन पैदा करनी है कि छोटी मोटी बात गाँव की मैं जाजम के नीचे दाब और 4-5 बैठ और मैं आपा पंचायती करा तो निश्चित रूप में छोटा मोटा हल जगाया था अटवे निकल जी और मैं निवेदन करूं क्योंकि अब लड़ाई झगड़ा को और एक जमानो को नहीं अब कंपटीशन को जमानो है आपन आगे बढ़ना परिवार सार लो परिवार उन्नति करियो आपन भी बराबर ही उन्नति करनी है रोकनो को नहीं आप बात है आप सोचा तो निश्चित रूप आप विकास कराना एक बार पाचो आप सब हाथ जोड़ निवेदन है कि 25 तारीख का बोतल का चुनाव चिन्ह माने वोट दे आपका बेटा आपका भाई हनुमान बेनीवाल नाम बहुत मजबूत करीजिए धन्यवाद राम राम जय हिंद।